हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सुमिता। मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, ट्यूसडे के लंच के लिए मैं कर्ड राइस बनाने जा रही हूँ। मेरे वीडियो को आप एंड तक देखिए। जैसे आप कर्ड राइस बनाते हो, उससे थोड़ा सा मैंने अलग बनाया है। अगर रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं कर्ड राइस बनाना। कर्ड राइस बनाने के लिए चावल हमारा सॉफ्ट होना चाहिए। मैंने एक कटोरी लिया है चावल, आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। और उसके लिए हम क्या करेंगे, चावल में हम क्या क्या ऐड करेंगे, ये मैंने थोड़ा सा काला नमक लिया है और थोड़ा सा सादा नमक लिया है। नमक आप अपना टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। काला नमक से अच्छा टेस्ट आता है, इसीलिए मैंने लिया है। तो मैं नमक और काला नमक, सादा नमक इसमें ऐड कर देती हूँ। सबको क्या करेंगे, अच्छे से नमक को हम मिक्स कर देंगे। चावल के साथ नमक को मिक्स कर देंगे। फिर हम क्या करेंगे, इसमें दही मैंने लिया है एक कटोरी, तो एक कटोरी दही मैं इसमें मिक्स कर देती हूँ। फ्रेंड्स, ये जो हम दही राइस बना रहे हैं, कर्ड राइस, तो उसके लिए क्या है ना, चावल सॉफ्ट होना चाहिए। और ये ज़्यादातर क्या होता है, गर्मियों में ही कर्ड राइस खाया जाता है, लेकिन अगर कभी मूड होता है तो आप बना के खा सकते हैं। तो राइस और ये दही को अच्छे से आपको मिक्स करना है। हमने काला नमक और सादा नमक भी डाला है, तो इसको हम क्या करेंगे, अच्छे से मिक्स कर देते हैं। देखिए, मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। हम इसमें क्या करेंगे, हरा धनिया भी डाल देते हैं। हरा धनिया डाल के अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। फ्रेंड्स, आपको लग रहा है ना मैं ये कैसे बना रही हूँ, तो फ्रेंड्स ये सब जो नमक, दही और हरा धनिया, चावल सब मिक्स करके हम इसके बाद एक अच्छा सा तड़का लगाएंगे हमारे इस कर्ड राइस के लिए। तो मैंने तो ये सब मिक्स कर दिया है। अभी चलिए हम क्या करते हैं, एक तड़का लगाते हैं। तड़का अच्छे से लगाएंगे। सारा सामान मैंने रेडी कर दिया है। चलिए, मैंने पैन रेडी कर दिया है, गैस पे चढ़ा दिया है। देखिए, मैंने अभी तेल भी डाल दिया है पैन में, तो तेल भी हमारा गरम हो गया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, तड़के में थोड़ा सा मैं सरसों डाल देती हूँ। सरसों डालने के बाद हम क्या करेंगे, थोड़ा सा जीरा डाल देंगे, थोड़ा सा चला लेते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा हम उड़द दाल डालेंगे। उड़द दाल से क्या होता है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और फ्लेम कम करेंगे, क्योंकि उड़द दाल जल्दी पक जाता है और उसका कलर चेंज हो जाता है। अगर हाई फ्लेम पे रखेंगे तो ये जल जाएगा। तो हम इसे कम फ्लेम पे रख के ही उड़द दाल को फ्राई करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, हमने जो कड़ी पत्ता लिया है, कड़ी पत्ता डाल देते हैं। थोड़ा सा दूर रह के करना पड़ेगा कड़ी पत्ता को, नहीं तो तेल ऊपर गिरेगा। कड़ी पत्ता डाल दिया है मैंने। अभी हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, हरी मिर्ची डालेंगे। थोड़ा सा हरी मिर्ची डालेंगे। आप जो सूखी है लाल मिर्ची आता है, साबुत लाल मिर्ची, वो भी आप डाल सकते हैं। और टेस्ट के लिए मैं थोड़ा सा प्याज डाल रही हूँ। प्याज ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं तो मत डालिए, स्किप कर सकते हैं। लेकिन प्याज से अच्छा टेस्ट आता है, इसलिए मैं डालती हूँ। और एक चीज़ हमारा मेन है, वो है हींग। जो हम थोड़ा सा हींग भी इसमें ऐड करेंगे, हींग से अच्छा टेस्ट आता है। हींग ऐड कर दिया है मैंने।
सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और प्याज को हल्का ब्राउन होने तक पकाएंगे। ये हमारा तड़का रेडी हो गया है कर्ड राइस के लिए। बहुत ही सिंपल रेसिपी है ये। कभी भी जैसे आपका मन करता है खाने का कर्ड राइस, तो आप फटाफट बना सकते हैं। और कभी जैसे हस्बैंड के लंच में देना चाहेंगे तो दे सकते हैं, रोटी सब्जी के साथ ये कर्ड राइस भी दे सकते हैं। ये ज़्यादातर गर्मियों में ये कर्ड राइस खाते हैं, क्योंकि ये जो हमने दही रखा था एकदम चिल्ड है, फ्रिज में रखा था हमने, और ये क्या होता है ना, कुछ ठंडा ठंडा गर्मियों में खाने का मन होता है, तो ये कर्ड राइस खाएंगे तो आपका मतलब पेट आपका सही रहेगा। तो ये हमारा देखिए तड़का रेडी हो गया है। अभी हम क्या करेंगे, स्विच ऑफ कर देंगे। और जो हमने दही और चावल को मिक्स करके रखा था तड़के को, हम क्या करेंगे इसमें ऐड कर देंगे। बहुत अच्छा लगता है खाने में कर्ड राइस, एक बार आप ऐसे जरूर बनाइए जैसे मैंने बनाया है। कोई कोई क्या करते हैं ना, कर्ड राइस में प्याज नहीं डालते हैं, आप एक बार प्याज डाल के भी देखिए, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मैंने तेल डाल के तड़का लगाया है, आप घी डाल के भी तड़का लगा सकते हैं देखिए। और मैं क्या करूँगी, इन सबको अच्छे से मिक्स कर दूंगी। देखिए हमारा कर्ड राइस एकदम रेडी हो गया है। चलिए फिर मैं प्लेटिंग करके आपको दिखाती हूँ हमारा कर्ड राइस कितना टेस्टी बना है। हाँ तो फ्रेंड्स, देखिए मैंने अभी कर्ड राइस को प्लेटिंग कर दिया है। बहुत अच्छा बना है, बहुत टेस्टी बना है, और ये बहुत सिंपल रेसिपी है, तो आप एक बार जरूर इसे ट्राई कर सकते हैं फ्रेंड्स। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।